मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 5 महीने की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन कराना चाहते हैं। एक कायदा होना चाहिए कि इतने समय में ही ऐसा किया जा सकता है। बात ये नहीं है कि ये बेहतर है या वो, जीवन को संभालने का एक इंसानियत भरा तरीका बेहद जरूरी है। हार्टबीट लॉ में ये कहा गया है कि जो महिला धड़कते दिल वाले किसी भी प्राणी को मारती है या उसका अबॉर्शन करती है वो तुरंत अपराधी कहलाएगी, और ये अमेरिका जैसे विकसित देश का कानून है। और जाहिर है कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें रेप की वजह से प्रेगनेंसी होती है, टीनेजर्स में प्रेगनेंसी होती है और गर्भ में पल रहे बच्चे में कमियां होती हैं, पर फिर भी महिलाओं को उन बच्चों को जन्म देना पड़ता है। तो क्या आप कहेंगे कि ऐसा कानून ठीक है जिससे महिला का अपने ही घर पर अधिकार नहीं रहता? देखिए, मैं ऐसे कानूनों का समर्थन नहीं करता, ठीक है, पर साथ ही मैं चाहता हूं कि आप इसे एक बेहतर नजरिए से देखें। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ही बेटियों को मार दिया है। मैं विशेष रूप से बेटियों की बात कर रहा हूं क्योंकि लड़कियों के साथ ऐसा ज्यादा होता है, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि पिता मानते हैं आखिर तुम मेरे बच्चे हो, अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा हुआ है या नहीं, एक या दो नहीं, ऐसी इतनी बड़ी संख्या में हुआ है कि आप उस संख्या को अनदेखा नहीं कर सकते। संख्या इतनी बढ़ चुकी है तो ये अधिकार कहां से आता है? क्योंकि तुम मेरी वजह से पैदा हुए हो, इसलिए तुमको वही करना होगा जो मैं चाहता हूं, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो इसी तरह ये मेरी कोख है, मैं जो चाहे वो करूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही एक महिला को अपनी मर्जी से जो चाहे करने की आजादी है, पर आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी हद तक गैर जिम्मेदार हो जाएं। तो मैं कहूंगा कि 5, 6, 10, 12, या 14 सप्ताह के भीतर आपको बच्चे को गिरा देना चाहिए अगर आप उसे नहीं चाहते, पर बच्चे को बढ़ने देना। मैंने ऐसे मामले देखे हैं, मैं ये विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने लड़कियों को देखा है, उनके बॉयफ्रेंड हैं और वे प्रेग्नेंट हो गई हैं। अब 5 महीने की प्रेगनेंसी है, ये वाकई कुछ महीने पहले मैंने सुना, और उसके प्रेमी में लड़ाई हो गई और वो चला गया। अब वो अबॉर्शन कराना चाहती है, ये ठीक नहीं है, आपका ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर ऐसा रेप की वजह से हुआ है तो इसे रोका जा सकता है ना? अगर कोई दूसरी वजह है तो रोका जा सकता है। मेरे हिसाब से हम कुछ हफ्तों की संख्या तय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 48 दिन से पहले अबॉर्शन हो तो सबसे अच्छा है, पर कभी कभी शायद किसी महिला को पता ही ना चले कि वह प्रेग्नेंट है, इसीलिए 10 सप्ताह, 12 सप्ताह या शायद 14 सप्ताह की अनुमति होनी चाहिए, पर आप 25 या 30 सप्ताह के बाद अबॉर्शन की कोशिश नहीं कर सकते। ये अच्छा नहीं है क्योंकि वह जिंदा है, एक जिंदा जीव है। आपको ये समझना चाहिए, धरती के सभी प्राणियों में से एक गर्भ, एक जीव के तौर पर सबसे बेचारा जीव है ना? अगर आप 1-2 साल के बच्चे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो काटेगा, वो लड़ेगा, उसके पास कोई बचाव है। एक गर्भ पूरी तरह से आपकी दया पर जिंदा है, आपको उसके साथ पूरी करुणा के साथ बर्ताव करना चाहिए। अपनी सुविधा के कारण आप जो चाहें वो नहीं कर सकते। साथ ही क्या यह किसी दूसरे को तय करना चाहिए? नहीं, उस महिला को तय करना चाहिए, इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम सम काइंड ऑफ नॉर्म हैज टू बी देयर। पर साथ ही एक कायदा होना चाहिए कि इतने समय के भीतर ही ऐसा हो सकता है। बच्चे के बड़े होने के बाद ये बताने वाली कई स्टडीज मौजूद हैं कि बच्चे में माँ के प्रति भावनाएं भी होती हैं। आप उस जीव को नहीं मारते जिसमें भावनाएं हैं, है ना? वो एक अलग अपराध है। तो मेरे हिसाब से दोनों पक्ष हद पार कर देते हैं, यही समस्या है। आइए एक इंसानियत भरा और प्रैक्टिकल तरीका अपनाएं। क्यों आप किसी चीज के साथ या खिलाफ क्यों हैं? ये एक जीव का सवाल है ना? हम इस जीव को कैसे संभालते हैं? मैं इस जीवन को कितने सम्मान से संभालता हूँ? ऐसा हो रहा है, ये कल या एक दिन पहले मुझे कुछ पता चला, बताया गया है कि देश में पुरुष महिला अनुपात में सुधार हुआ है, बधाई हो, पर साथ ही महिलाओं की संख्या कम क्यों थी? जो बच्चियां बाद में पैदा होती हैं
क्योंकि उनके पास सोनोग्राम नहीं होता, बस बच्चा पैदा होता है और वो लड़की निकलती है। एक आसान काम जो गांवों में होता है, वे बस धान के कुछ दाने उस बच्चे के मुंह में डाल देते हैं। वो दाने कहीं फंस जाते हैं और बच्चा एक भयानक मौत मरता है, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की है। तो अब अगर मैं 5-6 महीने के गर्भ को खत्म कर सकती हूं, तो 10 महीने बाद क्यों नहीं, जब बच्चा पैदा हो चुका है। मैं कह रहा हूं कि यह तर्क हद पार कर देगा। आपको सावधान रहना होगा इसका साथ देने के लिए, क्योंकि बाद में क्या होगा, हमारे आज के काम कल क्या रूप ले लेंगे, लोग उन्हें किस हद तक ले जाएंगे, हमें इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो कभी कभी नहीं होता, कुछ ही लोग पकड़े जाते हैं, हजारों बच्चे मारे गए हैं। क्योंकि अगर 5 दिन का बच्चा मर जाए तो लोग ये सोचेंगे कि बच्चे को कुछ हो गया था। मौजूदा शिशु मृत्यु दर है तो, पर कितने प्रतिशत असल में शिशु हत्या है ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो हमें सावधानी रखनी होगी कि हम चाहते क्या हैं। बात ये नहीं है कि ये बेहतर है या वो, जीवन को संभालने का एक इंसानियत भरा तरीका बेहद जरूरी है ना।